गुड मॉर्निंग एवरीवन कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट पॉइंट लिबरलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स जो बैंक्स हैं उन्हें परमिट कर दिया गया है कि वो अपने डिपॉजिट्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में सब्जेक्ट टू दी कंडीशन कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका एक प्रॉपर रेटिंग होना चाहिए जो प्रिस्क्राइबड इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका अप्रोप्रिएट रेटिंग होना चाहिए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का फ्रॉम अप्रोप्रिएट रेटिंग एजेंसी और जो बैंक्स हैं उन्हें ज्यादा फ्रीडम दी गई कि वो अपना मनी कहा इन्वेस्ट करेंगे इसके डिसीजंस वो ले सकते हैं

फॉरेन बैंक है उनके लिए 32 परसेंट उन्हें जो भी वो टोटल बैंक क्रेडिट प्रोवाइड करवा रहे हैं उसका 40 और 32 परसेंट उन्हें प्रियोरिटी सेक्टर को प्रोवाइड करवाना है और इम्प्रूव करने के लिए क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म को प्रियोरिटी सेक्टर को जो न्यू मॉनेटरी पॉलिसी है उसने फॉलोइंग कंसेशन को इंट्रोड्यूस किया वो क्या फार्मर्स को हेल्प करने के लिए जो क्रेडिट लिमिट थी अगेंस्ट क्रॉप्स उसे इंक्रीज कर दिया गया फ्रॉम फाइव लाख रुपीज टू टेन लाख रुपीज इसका मतलब कि जो फार्मर्स हैं वो अपनी क्रॉप्स के अगेंस्ट अब टेन लाख ,00 रुपीज तक का लोन ले सकते हैं देन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो लोन ले सकती हैं अप टू टेन लाख रुपीज तक का विदाउट एनी कोलेट्रल सिक्योरिटीज जो ओवरऑल लोन लिमिट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए उसे रेज कर दिया गया फिफ्टी लाख ,00 से वन करोड़ ,00 रुपीज तक देन किसान क्रेडिट कार्ड्स जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो एक कार्ड होता है क्रेडिट कार्ड होता है जो इशू करता है बैंक फार्मर्स को कि वो क्रेडिट फैसिलिटी अवेल कर पाए अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो जो रिजर्व बैंक है उसने एडवाइस किया है सभी बैंक को कि वो इशू करे किसान क्रेडिट कार्ड सभी फार्मर्स को देन माइक्रो क्रेडिट न्यू मॉनेटरी पॉलिसी में जो बैंक्स हैं उन्हें एडवाइस किया गया कि वो प्रोवाइड करवाएं मैक्सिमम सपोर्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसका मतलब है वो ग्रुप ऑफ पर्सनस जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में एंगेज्ड हैं तो ये जो स्कीम है माइक्रो क्रेडिट की वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हेल्प करती है प्रोग्रेस करने में देन नेक्स्ट इज लैंडिंग बोरोइंग्स फ्रॉम कॉल मनी मार्केट जो कॉल मनी मार्केट है वो भी एक टाइप है मनी मार्केट का जिसमें जो बैंक्स है वो बोरो कर सकता है या लेंड कर सकता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो वन डे से फिफ्टीन डेज तक का हो सकता है जर्नली जो बैंक है वो बोरो करते हैं एक दूसरे से इस मार्केट में ताकि अपनी जो कैश रिजर्व रेशो है उसको मेंटेन कर सके जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है वो लोन दे सकते हैं कॉल मनी मार्केट में ऑन अ डेली बेसिस लेकिन वो जो उनके खुद के फंड है उससे ट्वेंटी उसका ट्वेंटी फाइव परसेंट से एक्सीड नहीं करना चाहिए नेक्स्ट इज योर बेस रेट सिस्टम बेस रेट लोन प्राइसिंग सिस्टम जो है उसमें एक बेस रेट होता है बेस रेट का मतलब मिनिमम लैंडिंग रेट जो बैंक डिसाइड करता है जो बैंक्स है उसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी पड़ेगी बेस रेट की आरपीआई को इन नवंबर 2019 जो बेस रेट था बैंक्स का वो था इन दी रेंज ऑफ 8.95 परसेंट टू नाइन और ये जो सिस्टम है वो एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो फैसिलिटेट करे बेटर प्राइसिंग लोन्स की और एनहांस करे ट्रांसपेरेंसी लेंडिंग रेट्स में नेक्स्ट इज कंट्रोल ओवर कोऑपरेटिव बैंक न्यू मॉनेटरी पॉलिसी में ये डिसाइड किया गया कि एक सेपरेट सुपरवाइजरी अथॉरिटी जो है उसको फॉर्म किया जाएगा जो रेगुलेट करेगी कंट्रोल करेगी कोऑपरेटिव बैंक्स को और ये जो अथॉरिटी है उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे सेंटर स्टेट और लोकल बॉडीज की और ये जो बॉडी है वो एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर एफिशिएंट वर्किंग और फंक्शनिंग ऑफ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन वेल मैनेज अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उन्हें परमिट किया गया कि वो सेटअप कर सकती हैं अपने देन नेक्स्ट इज क्रेडिट टू वुमेन पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं उन्हें एटलीस्ट फाइव परसेंट अपना टोटल बैंक का जो क्रेडिट वो दे रहे हैं जो टोटल उनका बैंक क्रेडिट है वो वेमेन को देना है उसका फाइव परसेंट इन 2013-14 जो गवर्नमेंट है उसने सेटअप किया फर्स्ट वेमेन पब्लिक सेक्टर बैंक जिसका नाम था भारतीय महिला बैंक ताकि वो लेंड करे मन को और वेमेन रन बिजनेस यूनिट्स को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ऑन फर्स्ट अप्रैल 2017 जो भारतीय महिला बैंक था उसे मॉर्च कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में

आर अपॉइंट करती है बैंकिंग और बेट्समैन को ऑल ओवर दी कंट्री दे नेक्स्ट इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स जो कवरेज है एटीएम्स की नेटवर्क्स की और जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं बैंक्स थ्रू एटीएम्स उसे इंक्रीज किया गया उसे इंक्रीज किया जा रहा है एट द एंड ऑफ सितंबर 2019 देयर वर 206589 एटीएम्स अक्रॉस द कंट्री और सभी बैंक्स को अलाउ किया गया डायरेक्ट Uh, उन्हें किया गया कि वो अलाउ करें कस्टमर्स को कि वो अपने एटीएम कार्ड जो है बैंक के अपने एटीएम में भी यूज कर सकते हैं और दूसरे बैंक के एटीएम में भी वो यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल टू Nine और आर ने डायरेक्ट किया बैंक को कि वो स्टार्ट करें ऑनलाइन और एस एम अलर्ट कार्ड होल्डर्स के लिए सभी टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व देन कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सी बी एस जिसे हम कहते हैं सी बी एस एनेबल करता है कि जो कस्टमर है बैंक का अगर उसे कोई भी ट्रांजेक्शन करनी है तो जरूरी नहीं है कि उसे वो ट्रांजेक्शन वहीं से करनी है जिस ब्रांच में उसने अकाउंट खुलवाया है वो ऑल ओवर इंडिया उस बैंक की किसी भी ब्रांच से जो है ट्रांजेक्शन कर सकता है और इसका रिजल्ट ये है कि बेटर कस्टमर सर्विसेज मिलेंगी जो बैंक प्रोवाइड करवाएगा अपने कस्टमर्स को एट द एंड ऑफ मार्च 2012 थाउजेंड ट्वेल्व 95 जो ब्रांचेस थी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की उन्हें इंटरलिंक्ट inter किया गया सीबीएस से और अब एट प्रेजेंट ऑलमोस्ट ऑल ब्रांचेस जो कमर्शियल बैंक्स की वो कवर्ड है इन नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम के साथ जोड़ना इसका मतलब है बैंकिंग सर्विस की डिलीवरी करना लो कॉस्ट पे वास्ट सेक्शन ऑफ डिसएडवांटेज और लो इनकम ग्रुप पर्सन को तो इसके लिए जो से उन्हें अर्ज किया गया कि वो ओपन करें नो अकाउंट्स चाहे बैलेंस की फैसिलिटी के साथ या फिर वेरी मिनिमम बैलेंस की फैसिलिटी के साथ जो पर्पस है इस अकाउंट का वो ये होगा कि बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाए लो इनकम पर्सन को स्वाभिमान स्कीम जो है वो लॉन्च की गई इन 2011 थाउजेंड प्रोवाइड करवाने के लिए ब्रांचलेस बैंकिंग थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन दी एरियाज़ जो कवर नहीं करती है बैंकिंग बैंक्स जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे बेसिक बैंकिंग सर्विसेज, डिपॉजिट्स की विद्रोवल्स की रिमिटेंसिस आर बी आई है उसने ये स्पेशल प्रोजेक्ट फाइनेंशियल लिटरेसी के नाम से शुरू किया जो ऑब्जेक्टिव है इस प्रोजेक्ट का वो ये की प्रोवाइड करवाई जाए इन्फॉर्मेशन अबाउट जर्नल बैंकिंग कंसेप्ट एंड वर्किंग टू स्कूल एंड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स

टू प्राइवेट क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज ये जो कंपनीज है वो मेंटेन करती है रिकॉर्ड क्रेडिट वर्दीनेस का बोरोअर्स का और सेम को वो अवेलेबल करवाती है बैंक्स को ताकि वो कस्टमर की क्रेडिट हिस्ट्री को एक्सेस कर सके और ये हेल्प करता है बैंक्स को जब वो लेंड करते हैं लोन्स को उनकी क्रेडिट वर्दीनेस को असेस करने के लिए और एन को रिड्यूस करने के लिए देन सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स जो सीडीज हैं वो इशू करता है बैंक इन डिनोमिनेशन ऑफ फाइव लाख रुपीज और मल्टीपल्स ऑफ जो सीडीज हैं उन्हें आप इशू कर सकते हो और उनकी जो मेचोरिटी हो सकती है वो मिनिमम सेवन डेज से लेके मैक्सिमम अपटू वन ईयर तक हो सकती है जो सीडीज़ हैं है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं डिस्काउंट पर इशू होते हैं डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू जो अमाउंट है डिस्काउंट की उसे ही इनकम समझा जाता है पर्सन के लिए जो उसे परचेज कर रहा है जो सीडी को परचेज कर रहा है फॉर एग्जांपल एक पर्सन अगर बाय करता है थ्री मंथ्स का सीडी जिसकी फेस वैल्यू है फाइव लाख की फ्रॉम अ बैंक एट अ डिस्काउंट ऑफ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मतलब कि उसने जो 5 लाख ,00 का सीडी था थ्री मंथ्स के लिए उसने उसे परचेज किया फोर लाख सेवेंटी में आफ्टर थ्री मंथ्स उसे जो मिलेगा वो मिलेगा 5 लाख ,00 रुपीस बैंक से उस सीडी के लिए तो उसने जो इनकम ऑन की सीडी के ऊपर वो की 25,000 की द नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट अक्टूबर टू में आर ने डी किया इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट और जो डी रेगुलेशन था इंटरेस्ट सेविंग बैंक अकाउंट्स पे जो किया गया उसका बेनिफिट डिपॉजिट होल्डर्स को मिला कई बैंक्स ने स्टार्ट किया ऑफर करना हायर इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट ताकि वो ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके द नेक्स्ट इज प्रीपेड कार्ड्स जो बैंक है उन्हें डायरेक्ट किया गया कि वो इशू कर सकते हैं प्रीपेड कार्ड्स और इन कार्ड्स में जो एक इंडिविजुअल है वो पे करता है मनी ईश्वर को जो बैंक है उसको और उसे उतनी ही डिनोमिनेशन का कार्ड मिल जाता है जिसे वो यूज कर सकता है ग्रोसरीज को परचेज करने के लिए या अपने बिल्स पे पे करने के लिए और बाद में वो उसी कार्ड को रिफिल करवा सकता है मनी पे करके कार्ड ईश्वर को देन इसके अलावा अदर फीचर्स क्या हैं जो हुए हैं आपकी करंट मॉनेटरी पॉलिसी में हुई है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम में डेवलपमेंट हुआ है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट का मनी मार्केट का डेप्ट मार्केट का रिड्यूस हुआ है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंक का मोर लेंडिंग हुई है प्रियोरिटी सेक्टर को सारी पेमेंट ट्रांजैक्शंस अब टेन लैख रुपीज़ उनके लिए मैंट्री कर दिया गया है कि वो रूट होंगी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम जिसके लिए नाइन डिजिट एम आई सी आर जिसे मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉगनाइजेशन कहते हैं उसे असाइन किया गया बैंक्स को और ताकि जो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है उसको बूस्ट किया जा सके और फास्टर ट्रांसफर ऑफ फंड्स इलेक्ट्रॉनिकली हो इसके लिए जो रियल टाइम क्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस जो है उसे इंट्रोड्यूस किया गया और प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को आरबीआई ने सभी टाइप्स के जो चार्जेस लगते थे एन और आर टी जी पे उन्हें ख़त्म कर दिया फॉर फास्टर क्लियरेंस ऑफ चेक जो चेक ट्रोकेशन सिस्टम है उसे इंट्रोड्यूस किया गया इस सिस्टम के अंदर जो चेक है उसे स्कैन करके उसकी इमेज ईमेल के थ्रू सेंड की जाती है

वर्ड एक सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर ग्रांटिंग क्रॉप लोन अप टू फिफ्टी थाउजेंड जो है वो स्टार्ट किया गया देन ब्रांच एक्सपेंशन पॉलिसी को रिलैक्स किया गया अलाउ किया गया ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा पेनिट्रेशन है वो हो सके और जो कंपटीशन है बैंक्स के अमंग इंडिया में वो इंक्रीज हो सके देन आरबीआई ने डायरेक्ट किया बैंक्स को कि वो रिव्यू करें Uh, और जो भी वो कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं कस्टमर्स को आफ्टर एवरी सिक्स मंथ्स ताकि जो कस्टमर सर्विसेज है उसे इम्प्रूव किया जा सके और इसके लिए जो आर है उसने सिस्टम ऑफ इंसेंटिव एंड पेनल्टीज टू बैंक जो है वो शुरू किया देन ज़्यादा प्रोवाइड करवाने के लिए क्रेडिट माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को जो बैंक से उन्हें डायरेक्ट किया गया कि वो कोलेट्रल सिक्योरिटी के लिए इंसिस्ट नहीं करेंगे ऑन लोन्स अप टू टेन लाख एज अगेंस्ट द प्रेजेंट लिमिट ऑफ फाइव लाख रुपए और यह इंश्योर करने के लिए कि इनहैंस क्रेडिट फ्लो हो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को कमर्शियल बैंक्स को कहा गया कि उन्हें अचीव करना है ट्वेंटी परसेंट ग्रोथ रेट क्रेडिट में इन सेक्टर्स के लिए नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू सो मच